हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी भारत में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं शॉर्ट ट्रिक के बारे में। ये अपनी दूसरी वीडियो है और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं मल्टीपल की गुणा की शॉर्ट ट्रिक के बारे में। ये आपकी शॉर्ट ट्रिक मात्र 5 सेकंड में ही काम करेगी, 5 नहीं मात्र 2 सेकंड में ही। आप किसी भी क्वेश्चन को 2 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगा सकते गुणा करने में, मल्टीपल करने में। तो आपकी ये दूसरी वीडियो है, पहली वीडियो मैं आपके लिए डाल चुका हूँ, प्लेलिस्ट में जाकर आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। आपको सबसे पहले बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और आप भी इसी प्रकार की वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप के स्टडी ग्रुप्स में शेयर जरूर कीजिएगा। तो समय न गवाते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो मैं सबसे पहले अपनी कॉलर पर माइक को लगा लेता हूँ, ये लगा लिया माइक और अब करते हैं हम स्टार्टिंग। तो आपको सभी को बता दूं, मान लीजिए कि आपको 99 का मल्टीपल करना है, गुणा करना है किसी भी डिजिट से। अगर आपको 99 का मल्टीपल करना है, मान लीजिए कि आपको 43 से मल्टीपल करना है 99 का, 99 का गुणा 43 से करना है, तो आपका अपना तरीका कुछ भी हो सकता है लेकिन मेरा तरीका थोड़ा सा अलग है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो ये बाद वाली डिजिट है 99 के बाद, जिससे आप 99 में मल्टीपल करना चाहते हैं 43 का, उससे एक छोटा नंबर आप लिखिए। क्या करिए, उससे एक छोटा नंबर आपको लिखना होगा और जैसे ही आप उस छोटे नंबर को लिखोगे तो वही नंबर आपको ऊपर 99 के जस्ट नीचे पेस्ट करना है। क्या करना है, पेस्ट करना है और बस कुछ नहीं करना, 99 में से इस नंबर को आप माइनस कर दीजिए। क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो 9 में से 2 गया तो 7 और 9 में से 4 गया तो 5 और यहां पर आप पेस्ट कीजिए, यही आपका मल्टीपल है। आपको समय नहीं लगेगा, मैं बता रहा हूं, इसी वजह से आपको 15 से 20 सेकंड लग रहे हैं, लेकिन आप इसको जब ओरली करेंगे तो आप इसे मात्र 3 से 4 सेकंड में किसी भी मल्टीपल को कर सकते हैं। एक और एग्जांपल के साथ हम डिस्कस करते हैं। तो मान लीजिए कि आप 99 का मल्टीपल 57 से करना चाहते हैं, किससे, आपका अपना ट्रेडिशनल मेथड, आपने 6th क्लास में, आपने 5th क्लास में, आपने 3rd क्लास में आपके टीचर ने आपको समझाया था, लेकिन आप अगर स्टैंडर्ड 10th क्लास से ऊपर हैं तो इस स्टैंडर्ड को आप अपनाइएगा। अगर कम्पिटिटिव लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप 10th क्लास से ऊपर हैं तो आपको ये तरीके अब अपनाने चाहिए, क्योंकि अब जमाना बदल चुका है। तो चलिए दोस्तों, कैसे करते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये 57 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 57 लिखा हुआ है, इससे एक डिजिट छोटा लिखना है। क्या लिखना है, छोटा। तो 57 से 1 डिजिट माइनस कीजिए, कितना बचा, 56 बचा। अब आपको जो 56 है इसी को माइनस करना है 99 से। क्या करना है, माइनस करना है 99 से। तो जैसे ही आप माइनस करेंगे तो 9 में से 6 गया तो 3 और 9 में से 5 को माइनस करोगे तो बचेगा 4 और इसको यहां पर पेस्ट कर दीजिए, ये आपका मल्टीपल आ गया 4356। तो ये आपका मल्टीपल आ गया 4356। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? चलिए तो एक और हम यहां पर लेते हैं। मान लीजिए कि 99 का मल्टीपल हमें करना है और 77 से, 99 का मल्टीपल हमें 77 से करना है, तो मात्र कुछ ही सेकंड्स में आप कैसे कर सकते हैं, 77 से एक डिजिट छोटा लिखिए, क्या है, जी हाँ आप बोले, क्योंकि अब आप सीख रहे हैं, एक डिजिट छोटा लिखा तो क्या बना, 76 बना और 99 के नीचे उस 76 को पेस्ट कर दीजिए। क्या कर दीजिए, पेस्ट कर दीजिए। 99 में से अब 76 को माइनस कीजिए तो 9 में से 6 को माइनस करोगे तो आपका 3 और 9 में से 7 को माइनस करोगे तो 2, तो आपका मल्टीपल आ गया 2376, यानी कि 2376। 2376 आपका मल्टीपल आ चुका है। एक और एग्जांपल के साथ हम डिस्कस करने वाले हैं। मान लीजिए कि 99 का मल्टीपल आपको 66 से करना है, किससे करना है, 66 से करना है। आपको अपना तरीका बदलना पड़ेगा। अब आप, मुझे मालूम है, बोलने लग गए आप, स्टार्टिंग में कुछ नहीं बोल रहे थे लेकिन अब बोलने लग गए, आपके अंदर वो चीज
आने लग गई जिसकी मैं प्रतीक्षा कर रहा था। तो देखिए, इससे आपको एक डिजिट छोटा लिखना है, 66 से एक डिजिट छोटा लिखिए, तो एक डिजिट छोटा क्या होगा, 65 होगा आपका। एनी डाउट? अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यहां पर आपको 99 से क्या करना है, माइनस करना है, माइनस कीजिए, कितना बचेगा 4 और ये 3, इसको यहां पेस्ट कीजिए और यही आपका मल्टीपल आ गया 3465। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? अगर आपको कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है आपका, तो उसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। कमेंट आपके हर एक कमेंट को पढ़ता हूं, आप प्रॉब्लम्स भी बताइए। और आपको बता दूं कि जल्द ही आपके लिए एयरफोर्स एक्स ग्रुप, SSR नेवी, AA और NDA के लिए आपका मैथ का बैच स्टार्ट हो रहा है। आपका मैथ का बैच स्टार्ट हो रहा है और ये जल्द ही आपके लिए स्टार्ट होने वाला है, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप इन कम्पिटिटिव लेवल एग्जाम की तैयारी करते हैं डिफेंस से रिलेटेड, तो चैनल से जरूर जुड़िएगा। अगर आप 10th क्लास में, 12th क्लास में हैं, तब भी जुड़िएगा। अगर आप SSC से रिलेटेड हैं, तो उसके लिए भी जल्द ही आपके लिए क्लासेस स्टार्ट की जानी है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं एक और मल्टीपल के बारे में। ये तो सीखा आपने 99 का मल्टीपल, क्या 99 का मल्टीपल सीखा। अब 99 के बाद आपको मल्टीपल करना है किसका, 999। मान लीजिए कि 999 का गुणा करने के लिए बोल दिया जाए, क्या ये ट्रिक इसी पर लागू होगी? जी नहीं, ये ट्रिक अदर पर भी लागू होगी। मान लीजिए कि इसका मल्टीपल 347 से आपको करना है, कितने से, 347 का गुणा 999 से करना है। तो आप देखिए, इसको क्या कर दीजिए, एक डिजिट छोटा लिखिए, तो 346 एक डिजिट छोटा लिखा, इसी को यहां पेस्ट कर दीजिए और इसमें से इसको क्या करना है, माइनस, तो 356, तो 653, दैट्स योर आंसर। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? चलिए तो एक और चेक कर लेते हैं। मान लीजिए कि 909 और आपको मल्टीपल करना है 247 से, मान लीजिए 248 मान लेते हैं, यहां पर कुछ भी मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, आपकी जो इच्छा। अब इसका मल्टीपल करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक डिजिट छोटा लिखना पड़ेगा, 248 से वन डिजिट छोटा क्या होगा, 247 होगा, इसको माइनस कर दीजिए आप 247 को, ये आपका 257 752, यानी कि ये आपका मल्टीपल आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन आपका मल्टीपल अब आ चुका। तो मुझे उम्मीद है आपको शॉर्ट ट्रिक अच्छी लगी होगी। ट्रिक्स अच्छी लगेंगी तब जब आप ट्रिक्स को एक के बाद एक कंप्लीटली पूरी वीडियो को देखेंगे। ऐसा नहीं कि 2 मिनट का वीडियो देख लिया और उसके बाद छोड़ दिया, कंप्लीट वीडियो को देखिए और आपको ट्रिक्स बड़े अच्छे तरीके से समझ में आने लगेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।